अजीज बेग आर्केटेक यूट्यूब चैनल में आपका गाइस बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो अंत तक इस वीडियो को जरूर जरूर से देखिए गाइस। हम यूट्यूब से संबंधित टिप्स और ग्रो फास्ट टिप्स कैसे अप्लाई करना आपको उस टॉपिक पे हमारा ये वीडियो रहता है गाइस। आज का अपना वीडियो है, YouTube चैनल है आपके पास में, अगर उसका कस्टमर URL आप चेंज करना चाहते हो, पहले से ऑलरेडी बना रखा है लेकिन फिर भी आप उसको चेंज करना चाहते हो, अपना VIP कस्टमर URL कैसे बनाए गाइस, इस टॉपिक पे हमारा ये वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक विनती करता हूँ, हमारे चैनल पर फ्री प्रमोटिंग YouTube चैनल चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, वहाँ से इस वीडियो को देखकर सभी वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट करना है आपको, अच्छा से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ, बेल ऑल नोटिफिकेशन के साथ गाइज। और हमारे दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई को सपोर्ट जरूर करें, कल आपकी बारी आने वाली है। अगर आप आज किसी को सपोर्ट करोगे कल कोई आपको सपोर्ट करेगा। चलो गाइज हम फ्री प्रमोटिंग यूट्यूब चैनल को URL कस्टमर URL कैसे चेंज करना है वो आपको समझा देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल है आपका पास में, YouTube चैनल है तो उसके कस्टम URL आपको कैसे चेंज करना है। तो गाई जी आपको चैनल लॉगिन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के लिए बाद में गाई जी आपको ये चैनल का लोगो नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये कस्टम URL सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है गाइज, इसको सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में ऐसा आपको जूम कर लेना है गाइज, फिर आपको यहाँ पर चैनल का अजीज बेग आर्किटेक्ट के नीचे जो एडिट योर गूगल नज़र आ रहा है गाइज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा गाइज, ये ओके का ऑप्शन आ गया, ओके दबा देना है आपको। ओके दबाने के बाद में गाइज आपको फिर से इस जूम कर देना है गाइज, तो यहाँ पर पहले आपको कस्टम URL आपको मतलब पहले वाला को आपको डिलीट करना है, फिर आपको पास सामने ऐसा इस ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। ये पेंशन का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पेंशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर यह टिक मार्क लगा होना चाहिए गाइस, फिर आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा, ओके को ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर तो गाइज आपको क्या करना है, ये पेंशन का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पेंशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइज ये पूछ रहा है कि आप ये कस्टम URL आपको डिलीट कर देना चाहते हो, तो आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ गाइज। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा गाइज, तो फिर आपको ये पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद में उसके बाद में कुछ देर के लिए आपको गाइज वेट करना है। वेट करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका URL कैंसिल हो जाएगा जो पहले वाला है, फिर आपको बैक चले आ जाना है पूरा का पूरा। बैक आने के बाद में गाइज आपको फिर से पूरा का पूरा बैक आने के बाद में इसको आपके जो सब्सक्राइबर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा गाइज, फिर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। चैनल पे क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने ये चैनल URL का इजिबल का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर इजिबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा गाइज, ऐसा है तो आपके सामने ये पूछ रहा है कि आप URL चेंज करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो गाइज हम आपको URL चेंज करना बताने वाले हैं,
हेलो गाइज, उसके बाद में आपको इजिबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इजिबल पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा गाइज। तो इस बटन पे कस्टम इजिबल कस्टम यूआरएल पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा गाइज। तो ये बोल रहा है कि आप कौन सा यूआरएल चेंज करना चाहते हो। तो गाइज मैं आपको बता देता रहा हूँ, सेलेक्ट ऑन अपडेटिंग टू से हाउ यू लॉक ऑन यूट्यूब अजीज बेग आर्किटेक्ट। तो आप पूछ ये बता रहा है कि आप यही सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है गाइज। कंफर्म पे आप क्लिक कर दोगे ये बोल रहा है कि इजिबल, ये इजिबल अकाउंट नहीं है। तो गाइज आपको क्या करना है, फिर से ये नीचे वाला अजीज बेग आर्किटेक्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है गाइज। ये बोल रहा है कुछ चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो गाइज मैं यहाँ पर कुछ भी लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने के बाद में यहाँ पर डीसी लिख दिया है मैंने। डीसी लिखने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है गाइज कि आप ये कर सकते हो। तो वेरीफाई पे आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको ये कंडीशन फॉलो कर देना है। यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर टिक मार्क लगाने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपके सामने यूट्यूब यूआरएल बताने वाला है तो इसको आपका यूआरएल सही या गलत है इसको उसके बाद में आपको कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो गाइज आपका कस्टम यूआरएल कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा, फिर आपको उसी पेज पे ले जाके ओपन कर, नमस्कार, फिर आपको चैनल को लॉगिन कर लेना है। फिर से बीटा वर्जन में था, अभी आपको वर्जन को करने के बाद में यहाँ पर यूआरएल आपका सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिंक कॉपी कर सकते हो या आपको कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ गाइज। यह आपका कस्टम यूआरएल हो चुका है गाइज, ऐसा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा के रखें। जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। गुड बाय, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।